रब दा शुक्र है कि इस घर में फिर से खुशियां आ गई। तेरे पुत्र तू ना एक काम कर, आज ही मंदिर जा करके प्रसाद चढ़ा। जी बेबे। कल मैं गुरुद्वारे में लंगर रखवा दूंगी। जी, आज मंदिर में प्रसाद, कल गुरुद्वारे में लंगर, ये हो गई शादी की तैयारियां शुरू। और बेबे जितने भी काम फोन पे हो सकते हैं ना, उन सबको करने की जिम्मेदारी मेरी। ओए, तू सारा दिन अगर फोन पे बैठा रहेगा तो बाजार बाजार कौन जाएगा? डेरे जाएगा, द्रव जाएगा। नहीं भाई साहब, उन साडा जवाई कोई काम नहीं करेगा। ओए, अपनी शादी में भी कोई काम करता है क्या? ओ लो जी, सड्डा जवाई हो गया। अभी से ओ वो ठीक है। तुम उसे भुला पाओगे? पता नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा। कोशिश? तुम उसे कभी नहीं भुला पाओगे, कभी भी नहीं। अरे, जिसके बिना जिंदगी में एक दिन नहीं बिताया, उसके बिना सारी जिंदगी कैसे बिताओगे? तुम दोनों ने रास्ते तो अलग अलग चुन लिए, मगर उन रास्तों पर क्या जिंदगी भर चल पाओगे? हमारे रास्ते अलग अलग तो क्या हुआ, पर हमारी मंजिल तो एक ही है ना, और वो है परिवार की खुशी। और हमारे इस फैसले से पूरी परिवार की भलाई है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा प्यार, उसका क्या? हमारा प्यार परिवार की खुशी से बढ़कर नहीं था मेघा। हे भगवान, मुझे जिंदगी में तरक्की करनी थी, मगर अपने परिवार की कीमत पर नहीं। मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना था, लेकिन इतना आगे नहीं जहां मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊं, जहां मेरा परिवार ही मेरे साथ ना। मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता भगवान। भैया, ये लीजिए पंडित जी, भगवान जी को भोग चढ़ा दीजिए। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन, मेरे छोटे भाई ध्रुव की शादी तय हो गई। 3 दिन बाद शादी है। अरे वाह, किसके साथ? डिम्पी से। पापा और अंकल की दोस्ती हमेशा के लिए रिश्तेदारी में बदल जाएगी और हमारा घर एक हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। रुको बेटा, मैं प्रसाद लगा देता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनुहरि ओम नाभ्याम आसीत दंतरिषघम्। ये ले बेटा, ये भगवान का प्रसाद। दक्ष, मुझे समझ नहीं आता, तुम हमेशा इस मंदिर आ जाते। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ तुम्हें चलते फिरते कोई अपना घर वाला मिल जाएगा और तुम उससे बात कर लोगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है दक्ष, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं लिपिका, मुझे अभी मेरे भैया मिले और जब मुझे पता चला उसे तुम सुनोगी तो तुम भी बहुत खुश होगी। क्या? मेरा वो भाई है ना जिसे हम सब खोटा सिक्का समझते थे, उसने आज बहुत बड़ा काम किया। उसने अपने इस भाई के पाप का बोझ कम कर दिया। क्यों? ऐसा क्या किया ध्रुव ने? घर से चला गया क्या? नहीं, घर छोड़ के नहीं गया। घर से जो खुशियां चली गई थी उन्हें वापस ले आया। मैंने जो गलती की थी उसको उसने सुधार दिया। वो भी डिम्पी से शादी करने वाला है। ध्रुव डिम्पी से शादी कर रहा है? पर वो तो गिन्नी से प्यार करता था, वो इस रिश्ते के लिए मान कैसे गया? और गिन्नी, अब गिन्नी का क्या होगा? वैसे कुछ भी कहो, ये घर है बड़ा इंटरेस्टिंग, हर कहानी में एक नया ही ट्विस्ट आ जाता है।
लगता है इस कहानी के थोड़ा अंदर घुसना पड़ेगा, फिर और मजा आएगा। की सोच रही है पुत्र? कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही। ओए पुत्र, हुन किसी गलती चिंता ना, तू देखना पुत्र, वे सब उसको नालायक समझते थे, पर वो ही इस घर का सबसे लायक बच्चा है। कल तक सबको उससे शिकायत थी, लेकिन आज सबकी दुआएं उसके साथ है, वे सबका विश्वास उसके साथ है, और मैनू पता है पुत्र, वो कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ सकता। ये एक माँ का दिल बोल रहा है। अगर आज तो नहीं आई ना तो मुझे लगेगा कि तेरे लिए मुझे बुला पाना बहुत आसान है। मुझे लगा था कि तू नहीं आएगी गिनी, मुझे लगा था कि तेरी नजर में तेरा आने वाला कल ही सब कुछ है, हमारा गुजरा हुआ कल कुछ भी नहीं। पर तूने मेरे भरोसे को टूटने नहीं दिया गिनी। मैं कैसे नहीं आती ध्रुव, तूने मुझसे मेरी जिंदगी का कुछ वक्त मांगा, मैं तुझे कैसे नहीं देती। बस वक्त ही तो है मेरे पास तुझे देने के लिए। अरे अब तू ऐसे चुप खड़ी रहेगी तो ये सारा वक्त कुछ ही पलों में बीत जाएगा, जबकि मैं तो मेरा हर पल तेरे साथ बिताना चाहता हूं। ध्रुव, ध्रुव किन्नी, ये वक्त हमें कुछ ही पलों के लिए मिला है, उन्हें दोबारा लौट कर नहीं आएगा। पापा जी बुला रहे हैं तुझे, ध्रुव। यहाँ भी गई है, कहाँ चला गया ये ध्रुव? ध्रुव
जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। यहां कोई नहीं आने वाला, तुझे याद है बचपन में एक बार जन्माष्टमी के दिन हम ऐसे ही घर से भागे थे, वो भी पूजा की थाली से लड्डू चुरा कर। हम नहीं चुराते थे, तू चुराता था, मैं तो सिर्फ तेरे पीछे भागती थी। अपना हिस्सा लेने के लिए ना? तू मुझे हिस्सा नहीं देता था, रिश्वत देता था ताकि मैं अंकल जी से तेरी शिकायत ना कर दूं। हिस्सा हो या रिश्वत, आधा लड्डू तो तू खाती थी ना। बचपन में सब चलता है यार। ये बचपन के दिन कितने अच्छे थे ना, ना कोई टेंशन ना कोई डर यार। हम फिर से बच्चे नहीं हो सकते क्या? काश काश इन कुछ घंटों की जगह हमको वही 20 साल वापस मिल जाए तो मजा आ जाए। हम घर से तो भाग आए हैं, पर तुझे पता भी कि जाना कहाँ है? अरे जब जिंदगी का नहीं पता कि हमें कहाँ ले जाएगी तो रास्तों का क्या करना है, कहीं पे भी चल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बस तू मुझे ताने ही सुनाता रहे। मैं हमेशा जिंदगी भर तुझे प्यार करता रहूंगा कि नहीं? ओके ओके सॉरी, नो इमोशनल बातें, नो रोना धोना, ओनली हैप्पी मोमेंट्स, हंसी मजाक प्यार मस्ती। ओके जाना किधर है? अच्छा अपनी आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, कोई भी एक हाथ पकड़। उस तरफ मतलब तू अब भी मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा? हाँ, मुझे तेरे बताए गए रास्ते पे चलना बहुत अच्छा लगता है और उस पर चलता भी हूँ। जाए ध्रुव मेरी खुशियों का कितना ख्याल रखता है, सच में ये जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेगा। जो इंसान दोस्ती के रिश्ते को इतनी अच्छी तरह से समझता है वो शादी के रिश्ते को कितनी अच्छी तरह से निभाएगा। मैं वो बस उतर, ध्रुव की फोटोज देखने में अब कैसी शर्म, अब तो तुम दोनों एक होने वाले, अब तुम दोनों को एक होता देखकर मैं बहुत बहुत खुश हूं। हाँ वैसे तो तुम्हें एक साथ कई बार देखा है लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ध्रुव और तेरी शादी होगी। कभी कभी जिंदगी में ना हम वो देख ही नहीं पाते जो हमारी आंखों के सामने होता है। तेरे और ध्रुव की दोस्ती में
जीवन भर का सच छिपा होगा, ये तो कोई देख ही नहीं पाया। मैं बहुत थक गई हूँ और तू आज भी अपनी बाइक नहीं लेकर आया, हमेशा वही गलती करता है। अब जहाँ पे भी जाएंगे पैदल जाएंगे, तुम लड़के भी ना काम पहले करते सोचते बाद। और तुम लड़कियाँ जो सोचती हो वो गलत और जो करती हो वो भी गलत। रुक, प्लीज मुझसे झगड़ा मत कर, वैसे भी तू आधा घंटा वेस्ट कर चुका है। मेरे को तेरी बकवास नहीं सुन। 20 साल मेरी बकवास सुनी है ना तूने, तो थोड़ी सी और सुन ले। और उस बकवास में क्या करूं मैं? अचार डाल ले या प्यार मान ले, वो प्यार जिसे समझने में तो 20 साल लगे और खोने में। ओके ओके सॉरी, नो इमोशनल बातें। पर अब जाएंगे कैसे, मैं बहुत थक गई हूँ। उठा लेगा, बहुत भारी हो गया। तो दुनिया की पहली लड़की है तो खुद को मोटी बोल रही है। मैंने मोटी नहीं कहा, मैंने भारी कहा। और भारी और मोटी में ना बहुत फर्क होता है। अगर तू कॉलेज में पढ़ाई में ध्यान देता ना तो दोनों का फर्क मालूम होता। दिल और दिमाग तो तुझ पे लगाए थे, तो पढ़ाई में ध्यान कैसे करता?